अरे अब अच्छे लगने का कुछ ये नहीं है, वो अच्छे खासे बाल तुमने खराब करके ले लिए, इतना कट नहीं करना चाहिए था। आपको पता है मुझे ना मेरे रूम दिन में से कम 3 से 4 बार साफ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक चीकू पेपे और कृष्णा दोनों मेरे रूम पूरी गंदी। तुझे अक्सा बीज घुमा दो आज चलती क्या, चाचा की चाय पिला दो आज चलती क्या। चलो रूम साफ करते हैं। और ये तो चलो ये तो ठीक है, ये देखो ये इसने क्या किया है। अब इसमें ये वापस भर के रखना पड़ेगा मुझे। क्यों खराब था? अब बताओ अब मेरे रूम कैसी लग रही है? इसको है ना साफ करने के बाद में बहुत ही बढ़िया रूम लगती है ना? यार मैं ना अपने लुक से बहुत बोर हो गई हूँ और मैं ना कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आइडिया, मैं ना अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हूँ और हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए हेयर कट तो करना ही पड़ेगा। मम्मी, मम्मी सुनो ना मैं क्या बोल रही हूँ। वाओ मम्मी, आज तो आप बहुत मस्त लग रही हो, क्या देख रहे हो आप? ये सीरियल देख रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रही थी कि देखो ये जो मेरे बाल है अभी कितने डैमेज हो गए, कितने सारे स्प्लिटेंस भी दिख रहे हैं। हाँ तो नहीं तो मैं क्या सोच रही थी सुनो तो, अभी देखो इतने खराब बाल हो गए तो थोड़ा सा हेयर कट तो करना पड़ेगा ना, स्प्लिटेंस भी चले जाएंगे। मैं से मत पूछ, पापा से पूछ। प्लीज ना मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं पापा। हाँ हाँ आप बना लो ना पापा को प्लीज। आप भी चलो ना मेरे साथ, मम्मी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। चलो ना। नहीं सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि जो बात आपको है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, आज मैं वो कहने जा रही हूँ। सुन रहे हो? क्या लेकिन? मुझे क्या बोलना था कि है ना देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो गए, ये देखो ये देखो ये स्प्लिटेंस भी निकल आए, तो ये स्प्लिटेंस है ना हेयर कट करने के बाद ही जाएंगे। अरे मैं हमेशा बोले वाला कि तुम बाबा हेयर कट ये वो मत किया करो, तो पापा थोड़ा सा करना पड़ेगा ना हेयर कट, ये देखो ना स्प्लिटेंस हो गया ना पूरे, इससे बाल भी नहीं बढ़ रहे। फिर सुनो ना पापा, जो तुमने सोच लिया वाला तो जाओ करो फिर। सच में? कम बाल हुए तो फिर देख लेना। नहीं ज्यादा कम नहीं होंगे, थोड़ा सा ही हेयर कट कराएंगे। और ये क्या खेल रहे हो पापा? ये खेल रहा हूं। सच में जाए फिर हम हेयर कट कराने? ज्यादा मत बाल कटाओ, सुनो मेरी बात। नहीं ज्यादा नहीं, बस थोड़े से, इतने तो कम हो ही जाएंगे हेयर कट में, है ना मम्मी? ज्यादा बाल नहीं कटा। हाँ पापा ने कहा कि तुमने जो सोचा है वो कर लो, तो मेरे इतने कर ले। देखो ना कितने डैमेज है मेरे भी, मम्मी के भी डैमेज है। निकलो यहाँ से। चलो अच्छी बात है, परमिशन तो मिल गई मम्मी। देखो ना कृष्णा क्या कर रहा है, चलो मेरे साथ। जल्दी चलो। ओ भाई साहब, कोई इच्छा तो नहीं जाग रही वहां पानी में जाने की? अगर ऐसे कोई इच्छा जाग रहे होंगे तो वो इच्छा को खत्म कर डालना, ठीक है? वहाँ पानी में नहीं जाने का, दूर से ऊपर से देखना, ठीक है? ऊपर से मजे ले बच्चे, ऊपर से मजे ले। हाँ मन में अगर ऐसे कोई ख्याल आ रहे होंगे कि मैं भी जाऊँ वो पानी में खेलने के लिए, तो ऐसे है ना बुरे ख्याल निकाल देना, ठीक है? हाँ अच्छा बस आ जा, घर में चल, घर में चल, अच्छा बस निकलने का मन नहीं कर रहा उसका। चल चल
मम्मा चलो ना फिर। लाओ पापा दो पैसे, पैसे दो हमको। कितने पैसे होना अभी? कितने होना? 1000 रुपए दे दो। हजार ये बस बस चलो। आज मम्मी 1000 रुपए कैसे मांगे? हाँ ठीक है जा रहे पापा, बाय 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 पापा बाय। अभी मेरे बाल देख लो, आने के बाद में पूरा लुक चेंज होगा मेरा। चल पकड़ी ऊपर, चलो चले हेयर कट कराने और लुक चेंज करने। मम्मी हेयर कट करने के बाद में मेरे बालों का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा, कितने मस्त लगेंगे ना मेरे बाल। हाँ वो तो है, मैं तो बहुत 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 खुश हूँ कि मतलब मैं इतने दिनों के बाद में हेयर कट करा रही हूँ। और एक बात मेन बात कि पापा ने भी परमिशन दे दी, नहीं तो पापा है ना नहीं कराने देते बिल्कुल भी हेयर कट। पूरा काजल ही फैल गया मेरा, देखो अभी है ना सबसे पहले मेरा हेयर वॉश करेंगे। मम्मी मैं बोल रही थी कि आप भी हेयर कट करा लो ना। मुझे भी लग रहा है देखे क्योंकि क्या है मम्मी के बाल भी थोड़े से डैमेज हो गए हैं ना, तो मम्मी को भी हेयर कट की जरूरत है। अगर हम पापा को बोलेंगे तो पापा नहीं करने देंगे, इसीलिए आप हेयर कट करा लो, सीधे लुक दिखाना अपना। वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा पापा को। हो गया मेरा हेयर वॉश मम्मी, सोचो ना अगर मेरे बाल इतने हो गए तो कितना मजा आएगा ना। मजा नहीं आएगा, मार खाएंगे घर पे। लेकिन नहीं कराऊंगी मैं इतने हेयर। अरे बाप रे, कॉम करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि इससे बाल बहुत खींचते हैं ना, इसीलिए। ठीक है अभी कॉम करेंगे फिर उसके बाद में हेयर कट। हाँ और मेरा जो यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो है उसमें ना इन्होंने ही हेयर कट किया है, तो मुझे सेम वैसे ही हेयर कट करके चाहिए। तो मम्मी आप भी करा रहे हो हेयर कट? सच में सोच लिया आपने? हाँ फिर चलो ठीक है। मेरे प्यारे बाल कट हो गए लेकिन ये डैमेज थे तो कोई गम नहीं है। फिर बहुत बहुत लंबे डेंट है। हाँ तो ये जो कट है ना ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब मेरे पूरे बाल सेट हो जाएंगे ना तब समझ में आएगा। थोड़ा सा डर लग रहा है और पापा क्या बोलेंगे उसका ना, मुझे भी। लेकिन ठीक है ज्यादा कम तो नहीं हो गया ना मम्मी? नहीं। देखो ना हेयर कट करने के बाद में एक अलग ही लुक आया है ना बालों में। सी देखो कितना मस्त लुक आया है मेरे बालों को, पहले मेरे बाल कैसे थे और अभी कितने मस्त लग रहे हैं, एकदम अलग सा ही लुक आ गया। घर पे जाने के बाद में पापा कैसे रिएक्ट करते हैं ना, मुझे तो लगता है कि पापा को पसंद आएगा।
क्या लेके आए तुम ऐसा? ये डिब्बू क्या लेके आए बच्चे? अरे ये कटरीना कैफ तो नहीं आ गई अपने घर पे? देखो कैसे लग रहा है मेरा न्यू हेयर कट। छोटे कर दिए क्या बाल? नहीं वो कर्ल्स किया ना इसलिए ऐसे लग रहे हैं। बताओ ना कैसे छोटे कर दिए तुमने बाल? नहीं छोटे नहीं किए, बराबर है ना मम्मी? ज्यादा छोटे नहीं करवाए। देखो ठीक है तुमको पसंद है तो ठीक है। चीकू तू बता कैसे लगा? चीकू तू बता। मैं पापा के पास में बैठे वाला ना तो मैं पापा का गुस्सा फील कर रहा फील। अभी पापा है ना थोड़ी देर में फायर होने वाले फायर मोबाइल कैमरा बंद होने के बाद में। कैसी लग रही बताना चीकू तू तो बता। बाल ही कट करने थे तो मेरे इतने कट कर लेती। बताना कैसी लग रही? पापा का गुस्सा अभी फटने वाला है जल्दी से कैमरा बंद करो। इधर देख के बोल उधर काम कौन है उधर आई तो सांग काफी सुखी थी कमी के लिए तो देखो सब ये बोल रहे नहीं हाँ हाँ बाल काट दिए तुमने बहुत लगले कमी के लिए केसो सांग लेके सो चकिए ले वाट हो जाए। हाँ फिर अच्छे कैसे बाल खराब कर दिए। मामा जल्दी से कैमरा बंद करा भी पापा को कंट्रोल नहीं होने वाला है कैमरा बंद कर जल्दी। खराब करो ना तो बोला क्या सा देखो मम्मी अभी आप ही सुनो। मैं क्या बोले तू ही बोला अभी बाल पूरे खराब बर्बाद कर दिए खराब कर दिए तुमने। कुछ बर्बाद नहीं किए पापा वो कर्ल्स के इसलिए ऐसे छोटे छोटे लग रहे हैं। चुप बैठ। अच्छे खासे बड़े बाल कट कर दिए। बड़े थे लेकिन वो डैमेज बाल थे क्या कर दूं उनको रख के मैं ये डैमेज। तो तुम जाओ उधर ही जाओ बैठो तुम जाके जाओ। क्या पापा वो दोनों कैसे लग रहे हैं? कट कर दिए बाल। नहीं कट किए ना हमने। दीदी मेरी बात मान है ना मैं तुझे बोल रहा तू अपने रूम में चल जा अभी पापा का गुस्सा फटने वाला है तू मार खाने वाली है मार। पापा बोलो ना सच में अच्छे नहीं लग रहे? अरे पापा अच्छे लगने का कुछ ये नहीं है वो अच्छे खासे बाल तुमने खराब करके ले लिए इतना कट नहीं करना चाहिए था। अभी कैमरा चालू है ना इसलिए पापा कुछ बोल रहे नहीं। अभी बहुत कम कर लिए बाल बट वो डैमेज बाल साल साल भर लग जाता बाल बढ़ने के लिए तुमने चुपी जाके कट करा के आ गए। तुमको ये अच्छा लग रहा हो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है सामने के बाल कट करे हो तो ठीक है लेकिन है ना ये बहुत बालों की पूरी लेंथ ही खत्म कर दिया तुमने तो। फिर अभी क्या बढ़ने वाले क्या बालों अभी कुछ बोलने से? मेरे को तो बहुत टेंशन आ रहा है। क्या है कट हो गया एक बार अब क्या है? देखो ना यार पापा और नानी है ना मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि मैंने ना बहुत छोटे बाल करा लिए हैं तो मुझे भी है ना अभी बहुत टेंशन आने लग गया है क्या कि सच में मैंने इतने छोटे बाल करा लिए हैं। मैंने काम करती हूँ मैं ना कल ये जो बाल है ना स्ट्रेट कराऊंगी फिर पापा और नानी को दिखाऊंगी तभी उनको समझ में आएगा कि मैंने ना ज़्यादा बाल नहीं कटवाए हैं क्योंकि ये जो कर्ली बाल है ना ये ऐसे दिख रहे हैं कि मैंने बहुत छोटे कराए लेकिन इतने नहीं कम कराए मैंने अपने बाल। वैसे बाल अच्छे दिख रहे हैं बट लेंथ थोड़ी कम हो गई है। चलो कोई बात नहीं फिर से ग्रो कर लूंगी हेयर्स। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।